किसी शख्स को दो लड़कियां हैं और वो वापस तीसरे बच्चे के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, बट 4-5 साल से कुछ हुआ नहीं और दोनों का चेकअप भी कराया गया, डॉक्टर बताया सब चीज नॉर्मल है, तो ये IVF कर सकते हैं। IBF क्या टेस्ट ट्यूब बेबी की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, यानी कि जो है मनी जो है हस्बैंड की रहेगी और वो जो है जो प्रोसेस होता है दवा खाने में वैसा करके टेस्ट ट्यूब भी जैसे IVF यानी करते हैं। मर्द की मनी को रहमे मादर में डालना शेख, IVF देखिए, जो प्रोसेस होता है। जी अगर उसके पास दो बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से उसको जरूरत नहीं है। हालांकि जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, डॉक्टरों ने बता दिया कि इसका यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उसको उलमा ने कुछ शुरूत के साथ जायज करार दिया है। जैसे एक शर्त तो ये रखी है कि उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, डॉक्टरों ने कहा कि इसको मेडिकली कोई परेशानी है और यही तरीका है कि शौहर का मादा लेकर के औरत के जो है रहम में उसको दाखिल किया जाए तो हो सकता है। एक ये, दूसरा ये कि जो इलाज करने वाला है, आप पहले तो लेडीज ढूंढेंगे, क्योंकि जाहिर है ये जो काम कर रहे हैं इस काम में बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें कशफुल औरा है, मतलब जी जो है सतरपोशी का ख्याल नहीं किया जा सकता। तो जी कोई लेडी डॉक्टर हो, मुसलमान लेडी डॉक्टर, मुसलमान लेडी डॉक्टर नहीं मिल रही है तो गैर मुस्लिम लेडी डॉक्टर, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो फिर मुसलमान जेंट्स डॉक्टर हो, अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर गैर मुस्लिम। लेकिन ये जो चीजें हैं अमूमन उन लोगों के बारे में की गई हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी अगर दो बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई जो है बेटा नहीं है, बेटियां हैं सिर्फ, तो जाहिर है बेटा तलब करना भी कोई गलत काम चीज नहीं है। हमारी शरीयत ने इजाजत दिया है हमको कि हम बेटा तलब करें, तो अगर जी कोई बेटे के तलब में ऐसा करना चाह रहा है इन शुरूत के साथ तो ये जायज है। लेकिन ये ख्याल रखें कि वो मोतमद डॉक्टर होने चाहिए, क्योंकि इस सिलसिले में बहुत सारे डॉक्टर खयानत करते हैं और वो जो जी शौहर है उसका मादा लेने के बजाय वो किसी और का मादा डालते हैं, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये जायज नहीं है। उस शौहर बीवी के दरमियान कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, जी ठीक है? तो इसलिए मोतमद डॉक्टर जी हूं।